अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, छोटी इलायची से तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आज मैं आपको बड़ी इलायची के फ़ायदे बताऊंगा। छोटी इलायची के फ़ायदे तो बहुत सारे लोग, तकरीबन हर शख्स ही जानता है, बड़ी इलायची से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं और अक्सर ये घरों खानों में इस्तेमाल की जाती है। मैं आज आपको इससे इलाज और इसके फ़वाद बताऊँगा। ऐसे बच्चे जिनको भूख नहीं लगती, या ऐसे लोग जिनके दांतों में दर्द रहता है, या ऐसे लोग जिनके बाल झड़ते हैं, या ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक का मसाइल वगैरह, दिल के मसाइल वगैरह रहते हैं, तो आज मैं आपको इस बड़ी इलायची से ऐसे ज़बरदस्त आपको नुस्खे और टिप्स बताऊंगा जो इसको इस्तेमाल करते हुए आप इन अमराज से निजात पा सकेंगे। खाने में बड़ी इलायची का इस्तेमाल हर घर में होता है, मगर शायद आपको ये नहीं मालूम कि बड़ी इलायची के फ़वाद भी बड़े हैं। तो आज के फूड से जानिए बड़ी इलायची के ज़बरदस्त फ़वाद और इस्तेमाल करने का आसान तरीका। बड़ी इलायची में मिनरल्स, कैल्शियम, कॉपर, कार्बन, फाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बहुत ही खुशबूदार बीज। बड़ी इलायची पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, इसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी इलायची के बेशुमार फ़वाद हैं, जैसे बड़ी इलायची के दाने चुबाने से आपकी भूख में इजाफा होता है और पेट सही रहता है। इसके अलावा बड़ी इलायची के तेल की मालिश से ज़हनी तनाव में कमी आती है और आराम मिलता है। ये आपको ज़हनी और जिस्मानी थकावट में सुकून देता है। नेज जिंक, फास्फोरस और विटामिन सी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमें फ़ायदा पहुंचाती है। बच्चों में भूख ना लगना, हर वालदेन की यही परेशानी है कि जी बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चों को भूख नहीं लगती। तो आज मैं आपको बड़ी इलायची से ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ, आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो भी आप देंगे वो खा जाएंगे। अगर बच्चों को भूख नहीं लगती तो इन बच्चों को बड़ी इलायची से बने हुए खाने खिलाएं। और सबसे बेहतर तरीका यह है कि बच्चे जो भी जूस पीना पसंद करते हैं, इनमें बड़ी इलायची को पीसकर उसका पाउडर बना लें और वो पाउडर डालकर मिक्स कर लें और आसानी से बच्चों को पिला दें। लीजिए, बच्चों की भूख ऐसे लगेगी, बच्चों को ऐसा हाजमा बेहतरीन हो जाएगा कि बच्चे चीज़ें ढूँढ ढूँढ कर खाते फिरेंगे। हर घंटे के बाद बच्चे कहेंगे भूख लगी है। चंद दिन इस्तेमाल करके देखें। वो लोग जो बालों की वजह से परेशान हैं, बालों के लिए मुफीद है। बड़ी इलायची के तेल से आपकी खोपड़ी सेहतमंद रहती है, यह आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और आपके बालों को लंबा और घना और मजबूत करता है। ऐसे लोग जिनके मैदे ख़राब रहते हैं, मुँह में छाले हो जाते हैं और दांत तकलीफ़ करते हैं, मुंह में छाले अक्सर लोगों को मैदे की गर्मी की वजह से होते हैं और दांतों की तकलीफ़ तो किसी को भी हो जाती है। इसलिए अगर आप भी ऐसे मसाइल से दो चार हैं और बचना चाहते हैं तो बड़ी इलायची के चंद दाने मुंह में रख कर चूसें, इनका पानी पिएं, आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। दांतों की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, मसूड़े मज़बूत हो जाएंगे। बड़ी इलायची के दानों में ऐसे जूसेस मौजूद हैं जो दांत की तकलीफ़ में राहत देते हैं। इसके अलावा बड़ी इलायची की मदद से आपके मुंह की बदबू से निजात पा सकते हैं। ये आपके मसूड़ों को भी सेहतमंद रखती है और दांत की तकलीफ़ों से भी बचाती है। वो लोग सामने आ जाएं जिनको कब्ज़ का मसला रहता है, आज उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बता देता हूँ। कब्ज़ के मसले से हर दूसरा शख्स परेशान है, इसलिए आपने करना ये है कि एक चम्मच दही में एक बड़ी इलायची के दानों को मिक्स कर लेना है और इसे खा लें। जब तक कब्ज़ का मसला हल नहीं होता, वक्फे से दिन में दो मरतबा इस्तेमाल करें, पेट के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। कुव्वत मुदाफ़त के लिए बड़ी इलायची कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी एलर्जी है, इसकी वजह से ये फ़ायदा देती है। मुख्तलिफ वायरल बीमारियों से बचने में भी और कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत मुफीद है। तो अब आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। दिल के मसाइल अब तकरीबन 30 साल की उम्र से भी कम उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए ख़ुद को इन बीमारियों से बचने के लिए बड़ी इलायची के दानों को चबाकर खाएं और एक गिलास नीम गर्म पानी साथ पी लें।
इस टिप से दिल की सेहत भी अच्छी हो जाएगी और ब्लड प्रेशर के मसाइल भी नहीं होंगे, साथ ही हार्ट अटैक के मसाइल से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपके साथ बड़ी इलायची के बेनिफिट्स शेयर किए हैं। कुछ बेनिफिट्स हैं जो आगे मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, वो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और लोग इतना जो है इसको सुनना पसंद नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खे, ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। अगर पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।